नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी की एक और भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। दोस्तों हम इस वीडियो में चलिए इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड करते हैं और देखते हैं कैसे होती है इंडियन आर्मी की रैली की सिलेक्शन, कैसे आप लोगों ने रैली में विजिट करना होता है, क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं मिलती है। ये 2018 की नोटिफिकेशन है जो कि एक स्टेट के लिए आई है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त 2018 से लेकर 16 सितंबर 2018 के बीच में होगी। तो यहाँ पे आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिल जाएगी कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, और यहाँ पे आप लोगों को रिलैक्सेशन बताई गई है और यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है। और भी बहुत सारी चीजें हैं नोटिफिकेशन के अंदर जानने के लिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एग्जाम होगा, एफिडेविट होगा, डॉक्यूमेंट होगा। तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं, आप लोगों को इन चीजों का पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेकिन चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये रैली किस स्टेट के लिए है, कौन अप्लाई कर पाएगा ऑनलाइन। उसके बाद जो जनरल इंफॉर्मेशन सबके लिए होती है, जो सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने भी तो इंडियन आर्मी में जाना है और भर्ती होना चाहते होंगे, तो जरूरी है कि आप बाद में जाने, आज ही नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए मेरे साथ और पूरी जानकारी जो है आप ले लीजिए। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आई है ये मिजोरम स्टेट के लिए आई है। इसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, अजवाल, कोलासिब, नामिद, ये सर चुप कुछ है भाई, देख लेना मैं नाम गलत ले सकता हूँ, कई बार प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, लुंगली और लान गतली है, सैया है एंड चंपाही है, और ये डिस्ट्रिक्ट है किसकी, मिजोरम की। तो जो लोग भी इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर लीजिएगा 4 अगस्त से लेके 16 सितंबर 2018 तक। आप लोगों को इसके अंदर सोल्जर जनरल ड्यूटी इंडियन गोरखा, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसी पोस्टें मिल रही हैं। अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जाना चाहते हैं और गोरखा में जाना चाहते हैं तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक आप जा सकते हैं, बाकी सभी पोस्टों के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये है 1 अक्टूबर 1997 से लेके 31 मार्च 2001 के बीच में जिसका जन्म आता है वो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसका जन्म 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 31 मार्च 2001 के बीच में आता है वो अप्लाई कर सकता है सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। ये ऑल इंडिया लेवल पे क्वालिफिकेशन एज लिमिट आपको बताई गई है, लेकिन मिजोरम की जो हाइट वाइट होती है वो अलग होती है। अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 160 सेंटीमीटर और इंडियन गोरखा की 157 सेंटीमीटर, सोल्जर ट्रेड्समैन की 160 सेंटीमीटर, सोल्जर टेक्निकल की 157 और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट 157 सेंटीमीटर। बाकी वेट 48 kg है और चेस्ट तो मिनिमम आपकी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जो है वो होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर तक आप फैला सके। दोस्तों अगर आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज 45% होना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में 33%, लेकिन अगर आपने 12वीं पास की है तो फिर आपको 45% की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके 10वीं में सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी गोरखा में भी सेम क्वालिफिकेशन है, कोई आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाली। सोल्जर 10th ट्रेड्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th सिंपल पास भी कोई अप्लाई कर सकता है, ITI की है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। वहीं अगर कोई हाउसकीपर MAS कीपर के लिए जाना चाहता है तो भाई वो 8वीं पास जा सकता है, वो भी ट्रेड्समैन के अंदर ही आप अप्लाई कर लेंगे, ये पोस्ट आपको 8वीं पास भी मिल जाएगी। सोल्जर टेक्निकल के लिए आपकी 12वीं पास जो है वो 50% मार्क्स के साथ होनी बहुत जरूरी है, यानी कि आपके जो है साइंस में 12वीं पास होनी चाहिए और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश को, इन चारों के टोटल परसेंटेज 50% होनी चाहिए और आपका जो ओवरऑल है हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये रही इसकी परसेंटेज। बाकी दोस्तों सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप 12वीं पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश 40%, यानी कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इनकी परसेंटेज 40% ईच सब्जेक्ट होनी चाहिए सभी सब्जेक्टों में, और 50% ओवरऑल आपकी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे मांग रहे थे हर सब्जेक्ट में 40% और 50 इसमें, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे 40 जो है इसमें चाहिए और 50 ओवरऑल चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने ग्रेजुएट की है विद बूटनी, जायोलॉजी, बायोसाइंस एंड इंग्लिश 10 स्टिपुलेशन परसेंटेज, उनको 12वीं में परसेंटेज की जरूरत नहीं है, माफ कर दी जाएगी। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन जो कि ऑल इंडिया लेवल पे थी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की। दोस्तों सन ऑफ सर्विस मैन, ESM बार, विडो, AX सर्विस मैन अगर कोई है तो उसको दो दो दो
यानी कि चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन, 2 सेंटीमीटर 2 किलो का वेट जो है वेट में, और हाइट 2 सेंटीमीटर सेम। दोस्तों अगर किसी ने अडॉप्ट किया है सन रिलेशन वगैरह आपका है तो 2 ये आप देख लीजिएगा। और नीचे स्पोर्ट्समैन के लिए है, तो ये है आपकी जर्नल जो शेड्यूल इन्होंने रखा है, 3, 4, 5, 6 को आपने जो है रैली में विजिट करना है और सोल्जर जर्नल ड्यूटी। तो ये आपको एडमिट कार्ड के ऊपर जो डेट आएंगी ना आप उसी के हिसाब से जो है जाइएगा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त 2018 से 16 सितंबर तक चलेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन की। इसमें आप लोगों को सबसे पहले फिजिकल देना होता है जिसमें आपको रनिंग करनी पड़ेगी 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगर आप करते हैं कंप्लीट तो आपको 60 मार्क्स, अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के पहले पहले कर लेते हैं तो फिर आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। वहीं दोस्तों जो आप पुलअप्स होते हैं, अगर आप 10 मारेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स, 8 मारेंगे तो 27 मार्क्स, 7 मारेंगे तो 21 मार्क्स, और अगर आप 6 मारेंगे तो आपको 16 मार्क्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो 10 मार्क्स यहाँ पे बोले गए हैं कि आप 10 मारेंगे, यानी कि आपको जितने मार्क्स हैं ओवरऑल उतने ही मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा इनसे शायद गलती हो चुकी है यहाँ पे। बाकी ये जो जंप फीट और जिगजैग है, ये आपने डंडे के ऊपर चलना है और एक जंप लगाना है, ये सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, इसमें मार्क्स नहीं रखे जाते। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर मेडिकल होगा, और एंड में आके आपका रिटर्न जो है वो हो जाएगा जो कि CEE होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, रेजिडेंट प्रूफ में आप डोमिसाइल, स्टेट सब्जेक्ट अगर जम्मू एंड कश्मीर से है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है, करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का, और सिंपल म्युनिसिपैलिटी या पंचायत या पुलिस का भी चल जाएगा, मतलब अलग से चलेगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो लोग 21 साल से कम है उनके लिए अनमैरिड सर्टिफिकेट लाना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर फोटो लगी होनी चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट फॉर ये सर्विसमैन रिलेशन के लिए है, ये छोड़ दीजिए, एनसीसी का छोड़ दीजिए अगर सबके पास नहीं है। एफिडेविट आप जरूर 10 रुपए का बना लीजिए जिसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये आपको जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो उसके साथ मिल जाएगा तो वही प्रिंट करवा लेना। बाकी बैंक अकाउंट, पैन कार्ड ये आप बाद में भी ले जा सकते हो। एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपके 10th की मार्कशीट है वगैरह वो ले जाना, और डॉक्यूमेंट ऑफ गोल्ड का। तो यही है कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाने हैं। दोस्तों ये थी पूरी कहानी, बाकी आपका यहाँ पे टैटू जो है चल जाएगा, यहाँ पे इस साइड चल जाएगा और कहीं भी नहीं चलने की जरूरत पड़ेगी, मतलब और कहीं भी नहीं चलेगा। तो ये थी पूरी डिटेल। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज वीडियो को शेयर एंड लाइक करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह मेहनत करते हुए आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप दोस्तों विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in के इस पेज के ऊपर जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप लोगों को और भी कुछ भर्तियां अलग अलग स्टेट की यहां पे मिल जाएंगी, और इसी के साथ आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो वीडियो भी मिल जाएगी, लिंक आपको इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने इंडियन आर्मी की बनाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं इसके अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलती है जिसका नाम है इंडियन आर्मी स्पेशल टॉपिक्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको काफी फायदेमंद होंगी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जरूर कीजिए सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?